The whole process of spirituality is such that you burn in that process. And when you are burning in that process, that dance of Shiva is happening inside of you. Your energy is like spreading everywhere, giving yourself a new birth. A birth of consciousness which is inside of you. Namaste Mitro, Art and Tarot mein aapka swagat hai. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिव के रुद्र रूप के बारे में. वेदों में शिव का नाम रुद्र रूप में आता है. रुद्र का अर्थ होता है भयंकर, या कहें आग, या फिर एक बहुत बड़ी ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो सब कुछ अस्त व्यस्त कर सकती है, सब कुछ नष्ट कर सकती है. और ये शक्ति जो है वो शिव के पास है. ये एक ऐसी ऊर्जा है जो बिल्कुल स्वतंत्र है, जिसको काबू में नहीं किया जा सकता, और शिव इसके मालिक हैं. हिंदू तीन की बात करते हैं, तीन जो प्रकृति चलाते हैं वो तीन हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश. ब्रह्मा जो जन्म देते हैं, विष्णु जो संभालते हैं, और महेश जो नाश करते हैं, जो नष्ट करते हैं. लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, नष्ट करने के बाद ही आपको नया जीवन मिलता है. नष्ट करने के बाद ही एक नई जिंदगी शुरू होती है, एक नई शुरुआत होती है. कुछ भी नया शुरू करना हो तो सबसे पहले पुराने को ख़त्म करना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, और ये काम शिव करते हैं. एक बहुत बड़ी कृपा है जो भगवान शिव आपके ऊपर करते हैं, ताकि आपका एक नया जीवन शुरू हो सके, ताकि आपको एक नया जन्म मिल सके, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सके. रुद्रम जो है भगवान शिव की स्तुति करता है. ये बताता है भगवान शिव ने एक घमासान नृत्य किया, जिसको हम तांडव भी कहते हैं, और एक ऐसी ऊर्जा को प्रकट किया जिससे कि अज्ञान का नाश हो गया, जिससे जो भी अंधकार था वो मिट गया और एक नए जीवन का उजागर हुआ. रुद्र एक महान ऊर्जा है जो अज्ञान को नष्ट करती है और प्रकाश को जन्म देती है. ये ऊर्जा आपको अपना असली चेहरा देखने के लिए मजबूर करती है, आपके पुराने ढांचे को ख़त्म कर देती है, आपको एक नई शुरुआत देती है, आपकी पुरानी आदतों को जो है नष्ट कर देती है, जो आपको नया जीवन देती है. तो शिव जी का ये रुद्र रूप बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है अपने आप में, क्योंकि इसी रूप के कारण सब कुछ बदल जाता है आपकी ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत होती है. जब हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं तो कार्ड ऑफ डेथ आता है. डेथ कार्ड को जो है कहीं ना कहीं हम कंपेयर कर सकते हैं महेश से, जो कि रुद्र रूप है शिवा का. और जैसे कि हम उस कार्ड में देखते हैं कि एक नई बिगनिंग आपको मिलती है, उसी तरह से महेश जो शिव है, जो रुद्र रूप है, वो आपको जो है एक नई बिगनिंग देते हैं आपकी लाइफ में. भगवान शिव के होने से आपकी ऊर्जा कभी भी निर्जीव नहीं होगी, डल नहीं होगी, जिसके कारण जो है आपकी ऊर्जा जो है जीवित रहेगी, अलाइव रहेगी. एंड दैट इज द रियल एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वेयर योर एनर्जी इज अलाइव. द होल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज सच दैट यू बर्न इन दैट प्रोसेस. एंड व्हेन यू आर बर्निंग इन दैट प्रोसेस, दैट डांस ऑफ शिवा इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू. योर एनर्जी इज लाइक स्प्रेडिंग एवरीवेयर, giving yourself a new birth, a birth of consciousness which is inside of you. एक हिंदुओं की एक पुराणिक कथा है, अच्छे और बुरे के बीच में युद्ध हो रहा था, और ये अच्छे और बुरे के बीच में युद्ध हो रहा था अमृत को पाने के लिए, और ये अमृत जिसके भी हाथ लग जाता वो अमर हो जाता. इस अमृत को पाने के लिए अच्छी और बुरी सेनाओं में युद्ध हुआ, और जब मंथन हो रहा था अमृत को पाने के लिए, तब सबसे पहले जो है विष प्रकट हुआ, और विष के भीतर छुपा हुआ था अमृत. ना अच्छों की सेना ना बुरों की सेना, दोनों ही राजी नहीं थे इसको चखने के लिए. फिर किसी ने कहा कि शिव को बोलो कि वो चखेंगे, तो शिव जी ने हाँ कह दी. लेकिन शिव जी ने चखा ही नहीं, शिव जी पूरा का पूरा जो है विष पी गए, विष के साथ अमृत भी पी गए, और वो सारा का सारा विष जो है उन्होंने अपने गले में समा दिया, जो कि हमारा फिफ्थ चक्र भी है, जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं. इस तरह से उन्होंने सारा विष जो प्रकृति में था वो उन्होंने खुद अपने भीतर जो है समा लिया. इसलिए उनमें जो है क्षमता है नष्ट करने की, इसलिए उनको रुद्र रूप भी कहा गया है. अगर आप भी इस रुद्र रूप के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो शिव जी का रूप है, जो कि आपको नया जन्म देता है, जो कि आपको नया बिगनिंग देता है, तो इस मंत्र के साथ जुड़िए. मंत्र कुछ इस तरह से है, ओम त्र्यंबकं यदामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षिं मामृतात्. जिसका अर्थ है, हम त्रिनेत्र को पूछते हैं जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं. जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाए. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
और ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा भगवान शिव के रुद्र रूप से जुड़ने के लिए। मैं आपको मिलूंगा अपनी नई वीडियो में। बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।